दोस्तों, पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पामेला गोस्वामी यानी कि बीजेपी की एक नई नवेली नेता ने अब बीजेपी पार्टी के साथ साथ कई नेताओं को फंसा दिया है। दरअसल पामेला गोस्वामी को पुलिस ने कोकीन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है, लेकिन शनिवार को जब वह कोर्ट में पेश होने के लिए जा रही थी तो जब उन्होंने अपना बयान दिया है, वाकई ये चौंका देने वाला है। और इसमें कई दिग्गज बीजेपी नेताओं के नाम भी उसने लिए हैं। हम आपको उसके बयान को सुनाएंगे कि उसने कोर्ट में पेशी के दौरान किस नेता का नाम लिया है और इससे आने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के साथ साथ बीजेपी के कई नेताओं के ऊपर अब लगातार गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दूसरी बड़ी खबर इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे, दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया है हिंदुओं को लेकर के, हिंदुओं को बेवकूफ बनाने को लेकर के, आगे उसकी भी तस्वीर दिखाएंगे। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है। 3 बड़ी खबरें एक एक करके आपके सामने हम रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नेता पामेला गोस्वामी अरेस्ट हुई है कोकीन रखने के आरोप में, इसकी स्पष्ट जांच होनी चाहिए और जितने भी नेता हैं सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप भी ऐसी मांग करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले तो हम आपको पामेला गोस्वामी का वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें उनको कोर्ट के अंदर जब पेश किया जा रहा था तब उन्होंने कई और बीजेपी नेताओं के नाम लिए। सुनिए आप उनके बयान को, उसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने यह बयान सुना, इस बयान के अंदर बीजेपी की नेता शनिवार को जब कोर्ट में पेश इनको किया जा रहा था तो उन्होंने चिल्ला कर कहा कि उसे फंसाया जा रहा है। इस मामले के मास्टरमाइंड भाजपा महासचिव और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के करीबी कहे जाने वाले भाजपा सांसद राकेश सिंह का हाथ है। पामेला ने कहा है कि इस मामले में राकेश सिंह को गिरफ्तार किया जाए। पामेला के आरोप के बाद राकेश सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने यह कहा है कि हम इस लड़की को जानते तक नहीं है, ये एक साजिश है। और उन्होंने कहा यह सब ममता बनर्जी उनकी सरकार के इशारे पर किया जा रहा है। यानी कि जब बात अपने ऊपर आती है तो सब इशारों में हो रहा है, लेकिन अगर इस जगह पर किसी और पार्टी की नेता होती या फिर पार्टी का नेता होता तो यकीनन अभी तक गोदी मीडिया में बैठे हुए पत्रकार ना जाने कितनी डिबेट्स कर चुके होते और ना जाने कितने और भी ज्यादा खुलासे कर दिए होते। लेकिन अभी तक मीडिया में खामोशी पसरी हुई है, मीडिया इस मामले को उस तरह से नहीं दिखा रही है जिस तरह से दिखाया जाना चाहिए। खैर, पामेला गोस्वामी ने खुद बीजेपी के नेताओं की पोल खोली है और अगर उनकी इस बात में सच्चाई है तो इसकी स्पष्ट जांच हो और जो लोग इसमें जो है लिप्त हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह मामला बीजेपी के गले की हड्डी बन गया है, ना वो निगल पा रही है ना इसको बाहर कर पा रही है। आपकी अपनी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। दिल्ली में बीजेपी की जिस तरह की राजनीति हो रही है उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। देश की राजधानी के सबसे पुराने बाजार चांदनी चौक में रातों रात हनुमान मंदिर बन गया, जिसके बाद राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी का सिलसिला जोर पकड़ने लगा है। आप इस खबर को देखिए, हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस के एक नेता ने हिंदुत्व को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर
बड़ा हमला किया है। शनिवार को दोपहर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाते हुए चांदनी चौक के हनुमान मंदिर पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया और पूजा के बाद आम लोगों में प्रसाद भी बांटा। मौके पर जब दिल्ली के प्रदेश उपाध्यक्ष मुदिन अग्रवाल से जो है बीजेपी को लेकर के सवाल पूछा गया तो जवाब में उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लिए हिंदुत्व तो क्या है। दरअसल हिंदुओं को बेवकूफ बनाती है बीजेपी, ब्लैकमेल करके वोट लेने का नाम हिंदुत्व है और बीजेपी इसमें माहिर है। बीजेपी को हिंदुओं की चिंता बिल्कुल नहीं है, कांग्रेस में भी हिंदू है और हमें बीजेपी से हिंदू होने का सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी हिंदुत्व का मुद्दा अपने राजनीति चमकाने के लिए इस्तेमाल करती है और हिंदुओं को बेवकूफ बना करके वोट लेती है, उसके बाद उनको उसी के हाल पर छोड़ देती है। ये कांग्रेस पार्टी के नेता ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है। आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय को जरूर शेयर करिए। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। आप सभी जानते होंगे कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां लगातार जारी है। इसमें पश्चिम बंगाल हो, चाहे पुडुचेरी हो, चाहे फिर आसाम हो, चाहे कोई अन्य राज्य हो, सभी जगहों पर चुनाव शांतिपूर्ण कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। और इस बीच इन चुनावों पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस साल जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उन सभी राज्यों में सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CAPF की कंपनियों को भेजना शुरू कर दिया है। आप इस खबर को देखिए, CAPF की कंपनियां 45 बताया जा रहा कि तमिलनाडु भेजी गई हैं, 125 कंपनियां पश्चिम बंगाल भेज दी गई हैं, 40 आसाम को भेजी गई हैं और 30 केरल में और 10 पुडुचेरी में तैनात की जाएंगी। चुनाव आयोग ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आने वाले चुनाव के मद्देनजर 25 फरवरी तक CAPF की कंपनियों को तैनात करने का फैसला लिया है, जिसके बाद वो बहुत जल्द तारीखों का ऐलान भी करेगा। और तारीखों के ऐलान के बाद आप सभी समझ सकते हैं कि आने वाले चुनाव में सभी पार्टियां यानी कि अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर देंगी। लेकिन यह बड़ी खबर है, गृह मंत्रालय ने अपने संदेश में कहा है कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्यों में CAPF की तैयारी के मामले में ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, उनके रहने की व्यवस्थाएं यदि सब कुछ सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाएगा तो ये ऐलान भी कर दिया गया है। अब देखना यह है कि चुनाव कितने शांतिपूर्ण होंगे, क्या क्या होगा। पश्चिम बंगाल में आप देख ही रहे हैं, आपकी अपनी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।